पच्चीस लाख से मतलब नहीं है, फिर तो जो माफिया ऐसे तरने वाले हैं वो तो 50 लाख रुपया दे के ऐसे फिर तरेंगे दोबारा, तो उससे हमें मतलब नहीं है। जो ऐसा घटना घटाया है और जो आदमी ने ऐसा किया है उनको सीधा फांसी का ऑर्डर दिया जाए, हमारी सरकार से ऐसी मांग है। ये मुद्दा तो उठना चाहिए, 131 MP को राज्यसभा लोकसभा में तो ये मुद्दा उठना चाहिए। वो काहे हाथ पर हाथ धर के बैठा है लो, अगला बार पार्टी ने टिकट ना देगा इसीलिए न, तो कुर्सी के लालच में अपनी बेटी बहन अपने समाज तो हम पीछे कर दें, तो ऐसा हमें नेतागिरी नहीं चाहिए, ऐसा समाज सेवा नहीं चाहिए। तो न्याय का जाति देख के मिलता है? अरे तो भाई अंग्रेज से लड़ाई तो हम ही लड़े, अंग्रेजों के जो गुलाम थे, जो अंग्रेजों के चमचा थे वो ही आज आज़ाद हैं, उन्हीं को आज़ादी मिला है। हम उस टाइम भी गुलाम थे, आज भी इनका हम गुलाम हैं, गुलामी के जंजीर में बना हुआ है। दलित आज भी गुलाम है, दलित आज भी गुलाम है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़े, हमारे जो भी दलित नेता हुए जिन्हें चुने लड़ाई लड़ा लो, बाकी लोग नहीं। आज भी दलित हमारा सुबह हुआ है, जगह नहीं है। एक बार वो जब संविधान का अंग्रेजों से बात हुआ तो महात्मा गांधी सोए थे, जवाहरलाल नेहरू सोए थे, वल्लभ भाई पटेल सोए थे, लेकिन 2 बजे रात में जब अंग्रेजों ने गया तब बाबा साहब जगे हुए थे। तो पूछा लो कि आपने क्यों जगे हैं, आ तो मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए हम जगे हुए हैं, आ उनका समाज जगा हुआ है इसलिए वो सोए हुए हैं, तो इसलिए अभी हमारा समाज समझिए कि सोया हुआ है, समाज हमारे अभी जगा नहीं है। जगाने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, दलित सेना के माध्यम से करेंगे। आज जो ऐसा ये घटना घटाया है लो, सीधा 25 लाख सरकार ने दे दिया है, तो फिर दूसरा घटना घटेगा तो कोई 50 लाख दे देगा, लेकिन नहीं, हम सीधा फांसी के ऑर्डर मांग करते हैं। इस तरह से हम लोग जोगी जी से मिलने, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, 18 तारीख को मिलते ज्ञापन देंगे, उस पर नहीं कोई कार्रवाई होगा तो हम इस समय उत्तर प्रदेश के दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर जिला में आंदोलन करेंगे, हम इनके साथ हैं, हम NDA में जरूर हैं लेकिन अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 सगी बहनों को मार करके टांग दिया पेड़ पर, किस तरह से देखते हैं इस घटनाओं को आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये दलित समाज के बेटी है लो, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। मैं सच्चिदानंद साधु दलित सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और दलित सेना उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं आज शाम को सारे जिला अध्यक्षों के अपनी जारी करेंगे कि जो हमारे बेटियां बहन पर ऐसा जो घटना घटा है उसको तुरंत सरकार से हम मांग करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जांच करके और दोनों बेटियों के न्याय मिलना चाहिए। अन्याय में क्या, माँ बाप को कम से कम 10-10 लाख रुपया के लिए मुआवजा मांग करते हैं, और जो ऐसा हत्यारा है उस हत्यारे को कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए। सजा क्या, उन लोगों फांसी के ऑर्डर की हम मांग कर रहे हैं अपने दलित सेना के तरफ से उत्तर प्रदेश से। लेकिन इनका भी तो मटान तोड़े, इनके भी तो मटान पर ले जाए, बुलडोजर लेके जाए। ये जो ऐसा घटना घटा है ये बहुत दर्दनाक घटना है, हमारे दलित समाज के लिए बहुत दर्दनाक घटना है, और इसका कड़ों शब्दों में निंदा करते हैं, और लखनऊ में 18 तारीख जाके वहाँ भी हम निंदा करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुरंत जो लोग ऐसा किया है अभी भी हम कह रहे हैं कि उनको फांसी होना चाहिए, फांसी से नीचे और कोई सजा नहीं। आज जो 25 लाख सरकार दे दिया है, मान लिया 25 लाख दे दिया, कल फिर ऐसा हमारे बहन बेटी के साथ होगा तो कोई 50 लाख दे देगा, ये तो होता रहेगा। इन लोगों के पास तो पैसा है, हमारे पास तो नहीं है। लोगों में डर क्यों नहीं है अपराध करने को लेकर? कैसे डर है, अपराध कौन करता है? बड़े बड़े लोग करते हैं, जिनके पास पैसा है वो करते हैं कि पैसा दे के हम बच जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हम गरीब जरूर हैं, दलित जरूर हैं,
लेकिन आंदोलन करेंगे, न्याय दिलाएंगे। योगी सरकार तो कह रही है कि यहाँ अमृत काल चल रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सब कुछ बराबर है, सबका विकास हो रहा है, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है क्यों? हम जोगी जी से, अतिथि राज जोगी जी से पूछते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं कि फिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्रशासन हाथ पर हाथ धरके बैठी हुई है? जो हमारे दो बेटियां के साथ, बहनों के साथ घटना घटी है, वो ऐसा हुआ क्यों? योगी और मोदी सरकार का बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के साथ घटना घट रहा है, आपके सामने न है लखीमपुर के घटना है, वो भी तो बेटी है, चाहे घटना घटना। क्या गरीब की बेटियों को न्याय मिलेगा आसानी से? जरूर मिलेगा, नहीं मिलेगा हम लोग दिलाएंगे, लड़ेंगे। देश में बहुत सारे अंबेडकर साहब के नाम पे संगठन है, बहुत सारी पार्टियां हैं बाबा साहब के नाम पे, दलितों के नाम पे, वो कहीं आवाज तो उठा नहीं रही है बड़े पैमाने पर। ऐसा है, सब लोग समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जिन्हें चुने आदमी होते हैं, जिन्हें चुने संगठन लड़ता है। ये हमारे जो बेटियां हैं, बहन है, आज गरीब है, दलित हैं, तो इसके लिए हम मांग करेंगे कि ऐसा एक कानून बनाया जा कि ऐसा करने वाले को तुरंत फांसी दिया जा और माँ बाप को मुआवजा दिया जा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में हम आंदोलन के माध्यम से मांगेंगे, अगर नहीं इनको न्याय मिलेगा तो। लेकिन योगी जी तो खुद नवरात्रों में पैर पूजते हैं कन्याओं के, फिर भी ऐसी घटना हो जाती है। अरे महाराज, तो हम तो कह दिए कि मोदी जी योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर तो ऐसा हुआ क्यों? ये नारा सिर्फ अखबारों में विज्ञापनों में लगता है, वास्तव में है भी। अब देखिए, अब आप जुटा रहे हैं वो सही है, जब हमारा राजस्थान में हो गया, उत्तर प्रदेश लखीमपुर में हो गया, तो हम तो इसको कहेंगे भाई खाली हवा हवा ही है, हम सुरक्षा आज भी नहीं है, आज भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे जो संसद हैं, जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, भारत सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में, आज तक कोई आवाज़ उठाया? कोई विधायक, कोई मंत्री? कितने हमारे समाज के विधायक हैं उत्तर प्रदेश में? 86 में, मान लीजिए 86 है तो भाजपा के नहीं है, और भी तो दल में है, उनको तो उठाना चाहिए नु। ठीक, सभी दल में है, नेता सभी है, सभी पार्टी में है, क्यों नहीं उठा रहा है लोग? जब अपर कास्ट की किसी महिला के साथ में अत्याचार होता है या किसी व्यक्ति के साथ होता है, पुरुष के साथ, तो उनको 1 करोड़ रुपये मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, यहाँ 10-20 लाख रुपये में निपटाया जा रहा है इन मामले को। आपसे एक बात बताएं ना, कि दलित कौन लड़ता है? दलित में कोई है लड़ने वाला? दलित के नेता कोई है लड़ने वाला? पिछड़ा के दलित पिछड़ा के नेता कोई है लड़ने वाला? मोदी जी पिछड़े हैं, मोदी जी नु पिछड़े हैं, लेकिन लड़ने वाला कौन है, आवाज उठाने वाला कौन है? आज यही कोई बड़े जाति के लड़की के साथ घटना घटा होता तो पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा भारत में आंदोलन हो जाता। अभया कांड सुने थे नु? अभया कांड, मोमबत्ती गैंग आ जाता है, मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाया लो, क्या क्या आंदोलन किया लो। आज हमारे जो दो बेटियां हैं, जो बहनों के साथ लखीमपुर में हुआ है, आज कहाँ कोई आवाज़ उठा रहा है? ना विधानसभा में उठ रहा है और ना लोकसभा में उठ रहा है। लेकिन मोदी सरकार तो अमृत महोत्सव मना रही है आज़ादी का। अब देखिए, वो मनाए, मोदी जी मनाए, मनाते रहें, योगी जी मनाए, मनाते रहें, लेकिन ये घटना कैसे हो जाता है? लोगों में डर नहीं है पुलिस प्रशासन का कानून? कोई डर नहीं है, इन्हीं के आदमी हैं, इन्हीं जो माफियाओं के आदमी हैं, इन्हीं मंत्रियों के आदमी हैं, इन्हीं विधायकों के आदमी हैं। पुलिस को तुरंत फोन आ जाएगा कि भाई केस को यहीं रोको। लेकिन योगी जी कहते हैं कि पुलिस की होरन से बदमाश भाग जाते हैं उत्तर प्रदेश से। कहाँ बदमाश भागता है लो, कहाँ भागता है लो, आपके सामने तो है, देखिए। दो हमारा झूठ बोलते हैं फिर? अब झूठ बोले सांच बोले, हम तो उनसे न्याय मांगेंगे कि जो ऐसा किया है सीधा फांसी दे। आप 1 करोड़ रुपया हमें दे दीजिए, मेरे माँ बाप, हमारी बेटी, मान लीजिए हमारे ही बेटी है लो, हमें 1 करोड़ रुपये दे दीजिए, हमारा बेटी आपस आ जाएगी, हमारा इज्जत आपस आ जाएगा। जले उस करने वाले को जले फांसी नहीं होगा,
तले हमारा नहीं मानेंगे।